वीडियो चैप्टर 15 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हमें पता है कि रेजिस्टर या कैपेसिटर सर्किट एलिमेंट्स हैं और इनमें से जब हम करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराते हैं तो ये किस तरह एक्ट करते हैं। रेजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कुछ एक्सपेंड हो जाती है और कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम एक सोलेनोइड को एक सर्किट में कनेक्ट करें तो वो किस तरह एक्ट करता है। सोलेनोइड को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इसमें से करंट फ्लो कराते हैं। जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, इसकी ग्रिड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अगर वो करंट चेंज हो रहा हो, यानी कॉन्स्टेंट नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज हो रहा है, फिर क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसका मतलब है फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी लूप में से, तो उसके अंदर EMF सेटअप हो जाती है, यानी ये सोलेनोइड के गिर्द EMF सेटअप हो जाएगी, जो कि हमें फैराडेज लॉ बताता है कि -N ΔΦ, जो सोलेनोइड का टोटल फ्लक्स है, N उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, डिवाइडेड बाय ΔT। हम इस EMF को डिफाइन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट, क्योंकि फ्लक्स करंट के साथ रिलेटेड है, हमें पता है फ्लक्स करंट के साथ रिलेटेड है। इक्वेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्स है, लेकिन हम करंट की टर्म्स में देखना चाहते हैं क्योंकि सर्किट को हम करंट की टर्म्स में देख रहे होते हैं। हमें क्या पता है करंट के बारे में, कि चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट के। एक तो हम इसको कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं, मगर इसके अलावा हम सोलेनोइड की इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं जो कि हमें बताती है मैथमेटिकली कि वाकई ऐसा ही होता है। ये दो चीज़ें कॉन्स्टेंट होती हैं और सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली करंट के ऊपर डिपेंड करी होती है। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई, इसमें मैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करती हूँ, ΔΦ = L×ΔI। इस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अब चूंकि हमारे पास फ्लक्स को हमने रिलेट कर दिया करंट के साथ, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, मेरे पास EMF आ जाता है -L ΔI/ΔT। अब ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है कि जो EMF सेटअप हो रही है सोलेनोइड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। जो पहली वाली इक्वेशन थी फैराडेज लॉ की, वो किसी भी कंडक्टर के लिए ट्रू है, वायर हो सकते हैं, लूप हो सकता है। जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक सोलेनोइड के लिए, और L उस सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस या सिर्फ इंडक्टेंस है। L किसके बराबर है, इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय ΔI/ΔT। इसके यूनिट्स हमें बताते हैं, इसके यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर सेकेंड। यानी अगर इस सर्किट में 1 एम्पेयर पर सेकेंड करंट फ्लो हो रहा हो तो इसके अंदर जो EMF सेटअप होगी सोलेनोइड के अंदर वो 1 वोल्ट होगी। तो यूं मुझे अब ये पता चल गया कि सोलेनोइड सर्किट में किस तरह बिहेव करेगा, और मैंने उसके लिए क्वांटिटी डिफाइन कर दी जिसको मैं L कहती हूँ, जो उस सोलेनोइड की इंडक्टेंस होती है L। जिस तरह रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मैंने डिफाइन की और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है, जो कि हमें बताती है कि अगर इस सर्किट में एक खास करंट फ्लो करें तो उसके हिसाब से कितनी EMF उसके अंदर इंड्यूस होगी। और हमें ये पता चला कि इंडक्टर की वजह से, इंडक्टर का सर्किट में क्या काम होता है कि उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF पैदा होती है। अगर हम एक सोलेनोइड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें और इस सर्किट में करंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इसके अंदर एक EMF सेटअप हो जाता है। इस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है कि इसकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक और सोलेनोइड रख दूँ, तो चूंकि फ्लक्स इस दूसरे सोलेनोइड में से भी चेंज हो रहा है तो इसके अंदर भी एक EMF सेटअप हो जाएगी, जिसको हम इंड्यूस्ड EMF ही कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ESA, S फॉर सेकेंडरी। इसकी सब कैलकुलेशंस पहले की तरह हैं, मगर सिर्फ फर्क ये है कि हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते थे वो प्रोपोर्शनल था चेंज इन करंट के। इस केस में इस दूसरे सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो करा क्योंकि कोई बैटरी नहीं है, इसका फ्लक्स प्राइमरी वाले सर्किट के अंदर से चेंज होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करा, जिसको हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन में हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालते हैं जिसको हम M कहते हैं, इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस से, इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस M कहते हैं। और फैराडेज लॉ में अगर हम इसको पुट करें तो मेरे पास -ΔIp/ΔT आ जाता है। इसका मतलब है कि प्राइमरी सर्किट में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उस के मुताबिक मेरे पास सेकेंडरी सर्किट में EMF इंड्यूस हो जाएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस
बराबर है ES डिवाइडेड बाय डेल्टा IP ओवर डेल्टा T. इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि अगर हम यूनिट्स कंसिडर करें, वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम्पेयर पर सेकेंड, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं 1 एम्पेयर पर सेकेंड करंट प्राइमरी सर्किट में से फ्लो कराऊं, तो मेरे सेकेंडरी के अंदर EMF सेटअप होगी वो 1 वोल्ट के बराबर होगी अगर इस सोलेनोइड की म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर है. इस यूनिट को हम हेनरी कहते हैं, 1 हेनरी. एक सोलेनोइड के अंदर EMF सेटअप होती है जब उसमें से करंट चेंज हो रहा होता है. इस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इंड्यूस्ड EMF से पैदा होने वाला जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये माइनस साइन हमें बताता है कि ये ऑपोजिट होती है चेंज इन करंट के. यानी एक मेरा बैटरी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है जिसको मैं डेल्टा आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. डेल्टा आई अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ज़्यादा हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मेरा EMF इस डायरेक्शन में सेटअप होगा कि वो उसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा. और इसके ऑपोजिट जब करंट ज़्यादा से कम हो रहा होगा तो फिर EMF इसी की डायरेक्शन में फ्लो करके इस करंट को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा. और म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में भी ये सब कुछ होगा बिल्कुल इसी तरह, मगर फ़र्क सिर्फ ये होगा कि करंट हम प्राइमरी सर्किट का कंसिडर करेंगे और EMF हम सेकेंडरी सर्किट की कंसिडर करेंगे. इसके केस में हमारे पास होता है माइनस एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, और इसको हम सेकेंडरी कह देते हैं. तो सेकेंडरी के केस में जब पहला केस होगा जब करंट चेंज इन करंट पॉजिटिव होगा प्राइमरी के अंदर, तो फिर सेकेंडरी के अंदर जो करंट पैदा हो रहा है, फर्स्ट करें अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो सेकेंडरी वाला करंट इसको अपोज करेगा. और जब दूसरा केस होगा जब करंट ज़्यादा से कम हो रहा होगा तो सेकेंडरी उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा और उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में प्राइमरी करंट फ्लो कर रहा था. हमने कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर होती है और हमने एनर्जी कैलकुलेट भी की. अब हम देखना चाहते हैं कि इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, उसकी क्या क्वांटिटी होती है. हमें पता है कि एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें बताता है कि जितना हम वर्क परफॉर्म करते हैं उतनी ही एनर्जी स्टोर होती है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या किसी चार्ज कैरियर के अंदर. तो फिर वर्क पर यूनिट चार्ज हमारा EMF के बराबर होता है. वर्क कितना होगा, EMF मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और इतनी ही हमारी एनर्जी होगी. ये वर्क सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की तौर पे स्टोर हो जाएगा, इसको हम UM या पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं. इसकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं. चेंज इन एनर्जी बराबर है एप्सिलॉन और चेंज इन चार्ज. और एप्सिलॉन क्या है, इंड्यूस्ड EMF, जो कि हमें चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम देता है. डेल्टा क्यू, अब हम एक सोलेनोइड का केस कंसिडर कर रहे हैं और उसका फ्लक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि बराबर होता है सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म्स में एल टाइम्स आई के. मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पे. एल टाइम्स डेल्टा आई चेंज इन करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है विद अ माइनस साइन. अब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये है हमारा टोटल एवरेज करंट, और डेल्टा आई है चेंज इन करंट. चेंज इन करंट हम वो केस कंसिडर करें जब करंट 0 से 1 या अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई के ऊपर चला गया. तो टोटल नेट चेंज इन करंट था आई माइनस 0 आई, तो माइनस एल मल्टीप्लाइड बाय आई. और जहाँ तक डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है तो ये हमें बताएगा कि टोटल कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में. ये एवरेज करंट होता है, एवरेज करंट है करंट की इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. ये 1/2 के बराबर होगा i/2. तो मेरे पास सिंपली एनर्जी आ जाएगी जो कंडक्टर में इंडक्टर में स्टोर्ड है, माइनस एल आई स्क्वायर ओवर 2. यानी एक इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है जो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस और जितना उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है.